गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज 24 क्यूट फनी रिएक्शन। तो आज हम धमाकेदार फनी कॉमेडी और इंटरटेनमेंट से भरा हुआ यह वीडियो लेकर के आए हैं, वो भी हर्ष बेनीवाल की कॉमेडी धमाकेदार इंटरटेनमेंट वीडियो जिस पे मैं रिएक्शन करने वाली हूँ और जिसका टाइटल है दारू विथ डैड। तो देखने वाले हैं इस दारू विथ डैड 3, इसका फर्स्ट सेकेंड जो पार्ट है वो मैं रिएक्शन नहीं कर रही हूँ। इसकी जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी है काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। मैं लिंक इनकी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर लिए रहूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर क्या फनी और धमाका होने वाला है, और डेफिनेटली आपको ये बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि इतनी फनी होती है यार इनकी वीडियो। ओह माय गॉड, मींस आपको हंसा देने वाली ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या धमाका मचने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और बाकी बातें हम बाद में करने वाले हैं। तो पहले तो फिलहाल हम ये वीडियो देख लेते हैं। स्टार्ट। क्या यार, ओ ऑरेंज खाया जा रहा है। ये क्या हो गया, पढ़ते पढ़ते ढूंढने बटाई सारी ना, अरे तेरे गेड ने भी कर रही थी यार, तेरी बेस्ट फ्रेंड की टन टन टन। अरे कदम बड़ी भाई साहब, क्या हाल है आपके, कहाँ हो आजकल, दिखते नहीं हो। अबे तो किसने कहा था चैरिटी के नाम पे आके डोनेट करने को। अरे उसको आंखों की क्या ही जरूरत जिसकी इतनी प्यारी बीवी हो। अब यही बनेगी मेरी आंखें और इसी की आंखों से देखूंगा मैं सारे नजारे, कश्मीर टू कन्याकुमारी सब सब देखूंगा सब। आ मेरी बिल्लो, मेरी बिल्लो, माय पुसी। और बताओ भाई साहब क्या चल रहा है। हाँ जी हेलो, क्या भाई। अरे कहाँ गए, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इधर इधर इधर। क्या कह रहा था मैं, हाँ बीवी तो आपकी बड़ी सीधी है, बिल्कुल कुत्ते की पूंछ जैसी। पर कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी होती है ना। एग्जैक्टली मतलब मेरा मतलब है कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ऐसी बीवी मिली है। ओ जी बस, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बीवी सबको दे दे। हमें तो दे ही रही है। क्या मेरा मतलब कि आप बहुत अच्छी बीवी मिली है आपको, बहुत अच्छी, और आपको बहुत अच्छी संतान है। मैंने मार्केट में सुना है कि आपका बेटा जोरदार IIT की तैयारी कर रहा है फुल ऑन। हाँ, माय सन इज माय हार्ड वर्किंग फीमेल डॉटर, पूरे दिन कमरा बंद करके पढ़ता रहता है। अरे आंखें लाल पड़ गई बेचारे की। दिन भर बस यही बोलता रहता है। Yes. 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 Yes, मुझे IIT क्रैक करना है, वेरी हार्ड वर्किंग चाइल्ड। ये बादाम भी लेके आया हूँ उसके लिए, अभी जाके उसको बादाम का दूध दूंगा। तो मैं चलता हूँ जरा, ठीक है, उसको दूध पिला के दूध पीने आता हूँ भाभी, मतलब भाभी से मिलने आता हूँ, मिलने आता हूँ, ठीक है, ओके बाय 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 बाय।
तो कुछ और ही समझ गई थी। ओ, ओ, पापा। पढ़ रहा था। हाँ। तो इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? टेंशन में? कुछ और ही समझ गई थी मैं तो। वो पापा, फ्यूचर की टेंशन है ना मुझे बहुत। पता नहीं IIT में होगा नहीं होगा, एक अच्छी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको अच्छी लाइफ दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, बहुत टेंशन है पापा, बहुत ज्यादा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू बस अपनी मेहनत ईमानदारी से करता रहे और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दे। और सुन, अगर IIT में नहीं भी हुआ ना, तब भी तू जॉब की टेंशन मत लियो, क्योंकि रीलेवल है ना, जितने कॉम्पिटेटिव पैकेज और अच्छी जॉब वहाँ मिलती है ना, उतनी अच्छी रीलेवल पर भी मिलती है। रीलेवल सुना हुआ है मैंने, लेकिन ज्यादा पता नहीं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में बताओ ना। अरे रीलेवल एक बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप एक आसान सा टेस्ट देकर अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हो, वो भी घर पे बैठे बैठे। वैसे तो पापा एक कहने वाली बात होती है, मिला है किसी को कुछ? अबे यो, वो सार्थक नहीं है देहरादून वाला, उसने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की थी और उसको ब्लू स्टैक्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब मिल गई है रीलेवल के थ्रू। बात कर रहा है। और वैसे कौन कौन सी कंपनीज हायर करती हैं यहाँ पे? ओला, स्विगी, इन जैसी 200 से ज्यादा कंपनियां इधर। और अभी और सुन, जितने भी लोग इसके अंदर टॉप स्कोरर है ना, उनको रीलेवल फ्री एप्पल प्रोडक्ट्स भी देता है, ठीक है? और आप लोग किस बात का वेट कर रहे हो, अभी अपना करियर रीस्टार्ट करो रीलेवल के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? ओके, हाँ तू पढ़ बेटा आराम से, मैं तेरे लिए बादाम का दूध लेके आता हूँ। ठीक है पापा, ओके। ठीक है, गुड। Naughty America. Shh. Nobody. Nobody. Nobody does Shh. It better. Sorry, Papa. Ram Jade. Papa, shant ho jao. Papa, aram se. Papa, shant ho jao. पापा सॉरी यार, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, हमेशा अंदर बेचैनी सी रहती है और आजकल तो अजीब अजीब सपने भी आ रहे हैं मेरे को, मैं कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पापा, यार कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब समझ आ गया बेटा, छोटी डंडी है मोटा लकड़ बन चुकी है और वो लकड़ आरे को कह रही है ले चलो मुझे गुफाओं के अंधेरों में जहां मैं अपना उजाला ढूंढ सकूं, है ना? नहीं समझ आया ना? क्योंकि एक बाप की तरह समझा रहा था, मुझे तेरा दोस्त बनना पड़ेगा कुंदन, और दोस्त बनने के लिए शुरू करें तीसरा एपिसोड, क्योंकि वैसे ही बर्फी पे व्यूज नहीं आए हैं। बिल्कुल नहीं, इस बार बिल्कुल, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। केड़ी मेरी बात सुन, अगला 90 ml से एक बूंद भी कम हुआ तो मैंने बूंद मार लेनी है। थैंक यू प्यो पुत दिया हुंदियां ने यारियां बाप पाए मंगले। यस सेकंड, टुडे विल वी डू मैन टू मैन टॉक, टुडे आई विल गिव यू सेक्स, एजुकेशन। नहीं केडी रहने दो, नहीं वो पिछली बार भी तुमने ऐसा कुछ ट्राई किया था, याद है ना क्या हुआ था? कुंदन माय चाइल्ड, यू आर 10 years नाउ, अब तुझको तेरे बारे में एक बात बतानी चाहिए। जैसे तू ड्राइंग क्लास में ये वाली पेंसिल यूज करके आर्ट बनाता है, वैसे ही भगवान ने भी तेरे को एक पेंसिल दी है और आगे चल के तू उससे आर्ट बनाएगा जिसको लाइफ कहते हैं, और उस पेंसिल से तू बड़े बड़े काम करके छोटे छोटे कुंदन लाएगा, छोटे छोटे,
पापा तो जैसे इस पेंसिल का नाम शेड पेंसिल है तो मेरी पेंसिल का क्या नाम है? तेरी पेंसिल का नाम है पेनिस। ये पेनिस पेनिस यस यस पेनिस। गुड, विद ग्रेट सन कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गिविंग देम सेक्स एजुकेशन। आई एम प्राउड। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पोर्ट्रेट बनाना सीखेंगे। सो कैन एनीवन गिव मी अ पेंसिल? मैम आप ना मेरी पेनिस लीजिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? पेंसिल मांगी है मैंने, पेंसिल। हाँ मैम वही तो कह रहा हूँ, पेंसिल मतलब पेनिस। मैम आप ना कुंदन का नहीं मेरा पेनिस लीजिए। मेरा पेनिस मेरे पापा लंदन से लेके आए थे और वो बहुत अच्छा और बहुत शार्प है। और मेरे पापा ने वो पेनिस मेरी मासी को भी दिया था, उन्हें भी वो बहुत अच्छा लगा। चुप कर मोटे। नहीं मैम आप ना मेरी पेनिस लीजिए, मेरी पेनिस सबसे शार्प है। नहीं नहीं मैम आप मेरी पेनिस लीजिए, मेरी पेनिस इन सबसे लंबी है। नहीं 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 मैम मेरी मेरी सबसे बेस्ट। मैम नहीं, पहले मैंने बोला था। चुप चुप। मैंने बोला था एग्जाम्पल नहीं सही दिया था ना मैंने। चल कोई नहीं, इस बार नहीं होगा ऐसा कुछ, ठीक है? सेकंड, लेट्स टॉक अबाउट योर लर्न। क्या क्या कर रहे हो पापा यार? सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। कॉक बोलू कॉक? कॉक तो बोलू कॉक। कॉक बोलू? हाँ ठीक ठीक है, ठीक है। तो बेटा कंड, टेल मी अबाउट योर कॉक एक्सपीरियंस। कभी तू ये मैथुन जानते? मैथुन विस्ली केडी, कितने अच्छे एक्टर हैं मिथुन जी। और उनका ग्रैंड सल्यूट। ए, उसका ग्रैंड सल्यूट छोड़, तेरे ग्रैंड सल्यूट की बात कर रहा हूँ। अबे सल्यूट मार के दिन में कितनी बार राइफल चलाता है? केडी देखो मैं ना वॉयलेंस के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अबे आराम जाते। गोल उधर आओ, उधर आओ, चल। ये देख, ऐसे कितनी बार करता है दिन में? किडी मैं ना चूतिया नहीं हूँ कि दारू का मिक्सर ऐसे वेस्ट करूं। क्या यार इससे अच्छा तो मैं टीवी देख लेता, टाइम वेस्ट कर दिया तुमने। माय गॉड यार हटो। चूतिया ये तू, तेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अबे मैं कह रहा हूँ कि दिन में खाली रहता है पूरे घर में तो क्या करता है? अकेले रह के कुछ तो करता होगा। क्या करता है? कुछ नहीं करता है। क्या क्या करता है? बताना कितनी बार करता है, मुन्नू क्या कर रहा है? पूछ रहा हूँ कितनी बार करता है? चूतिया हाँ बता। वही मतलब नहाने गया हूँ तो एक बार। हाँ नहाते टाइम ठीक है, होता है तो पानी टच हो जाता है तो फीलिंग आ जाती है। मैं भी कर लेता हूँ, इट्स फाइन, वन टाइम इज गुड, कोई नहीं। तुम्हें पता है मैं कितना पढ़ता हूँ, आपको पता है ना? तो ना स्ट्रेस हो जाता है तो एक और उधर दो दो दो, 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 दो भी बुरी बात नहीं है, भगवान ने वैसे ही सब कुछ दो दिया है, दो कान दो आंख दो हाथ दो टट्टे, तो टू इज गुड। हाँ वही आजकल थकता भी 5-6 बार हूँ, तो जैसे अभी मैं दारू पी रहा हूँ है ना, दारू पीते पीते मूड बन जाए तो लग जाता है। ए जेब से हाथ बाहर निकल, हाथ बाहर निकल। कंड पिछले महीने जब हमारा एसी खराब हुआ था तो इलेक्ट्रिशियन ने क्या बोला था क्यों खराब हुआ है?
उसने यही कहा था कि दिन भर एसी को चला के घिसोगे तो फूकेगा ही। हाँ, किसी चीज को ज्यादा चलाओगे तो फूकेगा ही, और अगर ये फूक गए ना बेटा तो समझ तेरी लाइफ का शॉर्ट सर्किट पक्का। तो टेडी मैं क्या करूं यार, मेरी गलती नहीं है, सब अपने आप होने लगता है। और मुझे लगता है ना मैं इसलिए इतना कर रहा हूं क्योंकि क्योंकि मुझे ना खुद को प्रूफ करना है मेरा मीटर डाउन नहीं है। मीटर गंडवेल, तू ऑटो चलाने लग गया क्या? नहीं यार, मेरा मतलब जो मेरी चिड़िया है ना वो बाज नहीं बन पा रही। चिड़िया बाज? ओए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा है क्या तू? नहीं गंड ब्रो, तू सिर्फ इंजीनियरिंग कर, कोई जरूरत नहीं है 3 years का फरहान बनने की, क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे। क्या आदमी हो यार, नहीं क्या बोलता हूँ क्या समझते हो? अरे मेरी लुल्ली छोटी है, छोटी वो लुल पे आके अटक गई है, ली नहीं बन पा रही। देखा कैसी बात कर रही थी? दिखा आपने लुल्ली, दिखा मेरा मतलब लुल दिखा लुल। नहीं यार केडी नहीं, तुम जज करोगे, मैं नहीं दिखा रहा, सॉरी। कैसी बात कर रहा है यार गंडवेल, मैं 30,000 की कोर्ट में थोड़ी बैठा हूँ जो जज करूंगा। ये छोटा बड़ा ये कुछ मैटर नहीं करता, दम होना चाहिए कोर्टों में। और मैं तो तेरा बाप हूं ना, मैं क्यों तेरा मजाक उड़ाऊंगा? एक बाप अपने मजाक का मजाक कभी नहीं उड़ाता। सॉरी वो सब छोड़ दू, चल बचा बोल जा, पता दिखा स्प्रेड योर लेग्स। पक्का? क्या पक्का यार, कर दे। इतना छोटा अबे दिख भी नहीं रहा, ओए कहाँ खो गए देख रहे थे? ओए एरर 404 नॉट फाउंड, एक सेकंड रुक इससे देखता हूँ, अभी भी नहीं दिख रही, अबे है या नहीं है? अबे लुल्ली के नाम पे बुंदी है बुंदी, तेरे निप्पल इससे बड़े। ओ भाई मेरा पेट बढ़ जाएगा, ओ भाई मेरा पेट दर्द हो गया। ओए ओए काम करते हैं, चल नापते हैं किसका ज्यादा बड़ा है, आजा नापते हैं। मुझे नहीं खेलनी है गेम, ऑब्वियसली आप बड़े हो आपका, नहीं ये फेयर गेम ही नहीं है, नहीं खेलना मुझे। अरे क्यों डर रहा है यार, नापते हैं ना, कोई तो मिला जिसे मैं जीत सकता हूँ, आजा चल नापेंगे। नहीं पापा नहीं, नापेंगे नहीं, नापेंगे 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 नापेंगे। ये साली जिड्डे भी खराब है, मेरी बारी में छोटी हो जाती है। सॉरी केडी बट नो ऑफेंस यार, इसकी तो वीडियो भी नहीं बन पाएगी है, इसकी तो जिप बनेगी जिप। बेटा है ना, बेटा बन के रहे। कौन सा बेटा, अपन तो दोस्त है ना, और दोस्त तो मादर चोद होते हैं, तो मैं तो बहुत बड़े वाला हूँ। और हाँ मैंने मतलब एक चीज तो देख ली कि ना मेरी गलती नहीं है कुछ, ये मेरे जीन्स ही गंदे हैं सारे, तो धुलवा लेना दल्ले। जेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। प्रकंड सच बता रहा हूँ, Size doesn't matter. केडी रहने दे, छोड़ो यार तुम, रहन दो रहन दो रहन दो। नहीं मान रहा, रुक मैं तेरे को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, रुक रुक। अब क्या कर रहे हो? अरे देख इधर बता कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। अब रुक, अब बता कैसा लग रहा है? सेम, मजा आ रहा है। हाँ तो यही समझा रहा था मैं, इट डजंट मैटर कि आपके स्टीली है या उंगली, अगर टेक्निक सही है ना तो मजा आएगा। है, है, है। मतलब मुझे अब एंबैरस होने की जरूरत नहीं है? नो नेवर नेवर हैव आई एवर। हाँ पर अगर टेक्निक गलत हुई ना तो वो तेरे को एंबैरस होना पड़ता है, देख ले मैं सच बता रहा हूँ। और एक डूड हरदम टेक्निक पर फोकस करता है, साइज पर नहीं। और तू तो हैवी सुपर डूड है, ये मुझे ना कुछ बताना था वो। सॉरी माय बैड, गर्ल्स नहीं
गर्ल GRILL गर्ल अ डूड शुड ऑलवेज बी वन औरत आदमी उसको हरदम एक लड़की के साथ रहना चाहिए ओए तेरी भी तो गर्लफ्रेंड थी ना एक हैं उसका क्या हुआ उसके साथ कितनी बार किया तूने तमंचे पे डिस्को हैं एक केडी रहने दो यार गर्लफ्रेंड उसको एक्स बोलो एक्स हैं ये क्या हो गया ये क्या सुन रहा हूं मैं हो गया केडी टाइम हो गया उस बात को 2 महीने हो गए हमें लेके गया था मैं होटल उसे पर पता नहीं यार मैं रेडी भी था लेकिन मुंह सड़ा के चली गई वो मतलब रेडी मतलब क्या मैं समझ नहीं आ रहा तू डिटेल बता कर डिटेल तो क्या हुआ कि मैं उसे होटल लेके गया ठीक है फिर वहां मैंने उतारे अपने कपड़े फिर मैंने उससे कहा ओए आजा चढ़ जा करते हैं इतने में मुंह सड़ा के चली गई वो बताओ क्या गलती थी मेरी वैसे ना सही हुआ कहते थे पता नहीं कितनों से मुंह मारती है नहीं तो किड़ी तुम लाल क्यों हो रहे हो यार ठीक हो आजा चढ़ जा ई रिक्शा में सवारी बिठा रहा है आराम जा दे बीच में से चला जाऊंगा पाप धोने गंगा कंड सेक्स इज लाइक अ क्रिकेट मैच और क्रिकेट खेलने से पहले प्लेयर्स क्या करते हैं मैच फिक्सिंग हाँ क्या कह रहा चूतिया मैच फिक्सिंग नहीं करते वार्म अप करते हैं वार्म अप मैच फिक्सिंग देख मैच से पहले सारे प्लेयर वार्म अप करते हैं अगर आपको बाउंड्री उड़ानी है ना तो उसके लिए आपको पहले फोर प्ले करना पड़ेगा मेरा मतलब थोड़ा उसको कंफर्टेबल कर उसकी उसकी बातें सुन अपनी बातें सुना उससे फिर थोड़ा हो जाएगा है? हो जाएगा नहीं समझ आया अरे यार तो तेरे को प्रैक्टिकल देके समझाऊंगा समझता भी तो नहीं है तू पी मैं प्रैक्टिकल करता हूँ आता हूँ मैं कुंडू डार्लिंग केडी व्हाट इज दिस यार क्या बन के आए हो तुम अरे कौन केडी मैं केसी और अभी मुझे केडी भाई की तरह नहीं किसी बहन की तरह देख और चल कर मूड बनाने वाली बातें अपनी बहन के साथ बहन से मूड बनाने वाली बातें कौन करता है क्या नहीं करते तो मेरी आगरा वाली कजन क्यों करती थी हे भगवान ये किस खानदान में पैदा कर दिया मुझे देखो क्या कर रहे हैं ये लोग ए आरामजादे इतने अच्छे परिवार में पैदा हुआ है देखा नहीं सबके कितने खुले विचार है अरे तो विचार खुले रखो ना ये बात बात पे कपड़े क्यों खुल जाते हैं सबके मैं कर रहा हूँ मैं मूड बनाने वाली बातें कर रहा हूँ आ जाओ और हाँ केसी बहन नहीं है ठीक है वो एक नॉर्मल लड़की है ओके चलो कुंडू डार्लिंग करो पहला स्टेप किसी ओह माय गॉड क्या अपन क्या है यार राम जादे पहला स्टेप मूड बना मेरा बातें कर मुझसे सॉरी ऑफेंड हो जाऊंगी ऐसे तो मैं नहीं किसी किसी हाँ कितना इंतजार किया मैंने इस रात का मैंने भी इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें क्योंकि ऐसी बंदा चूती है 40 डिग्री थी धूप पहन दी ऑन करे सी कोई ऐसी नहीं चलेगा निकल जाने दो पसीने में आज तर पतर निकल जाने दो सारी यहाँ केसी और जैसी तुम हो ना केसी
पसीना भी किसी गुलाब जल से कम नहीं होगा। छी छी, इतना गंदा पसीना, कच्चा सुअर खाया था क्या? हे भगवान, फेंचो देसी चलाओ, एसी का, फेंचो देसी चलाओ, एसी चलाओ यार। छी 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 छी। उप्स, जगना गिर गया, मैं भी उठा देती हूँ। कुंडू बाबू, अपने छोटे स्क्रैच कार्ड से मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दो, हैं? माना अभी बहकी हूँ, चाहत में मैं महकी हूँ, नहाना पैमाना मैं पीने से डरता है क्यों? ना तू शरीफ मुझे चांद पे ले चलो, तारे दिखा दो मुझे, है रात भर का सफर। ना इनका सॉन्ग यार गजब है। देख ले, करने को कर भी सकते हैं वैसे, किसी को पता नहीं लगेगा। पागल हो क्या तुम? मैं तो मजाक कर रहा था। ओए सुंदर, ओए, अरे कैसी गई? केडीज बैक। हेलो, ओए, अरे हेलो। हाँ कुंडू, अब बनाया तू कदमड़ी गुप्ता का लड़का, फोर प्ले स्पेशलिस्ट, और तेरा बाप बहुत तेज है, टच करते सीन सेट और बंदी बैठ पूरी की पूरी। अच्छा सुन, मैं तेरे को सब बता चुका हूँ, तो बस एक चीज बताना भूल गया, जंग पर जाओ तो सबसे जरूरी क्या है, हैं? बताओ बताओ क्या है, क्या है, हैं? केड़ी मुझे पता है, तलवार। ना, सबसे जरूरी है तलवार की मयान, और इस जंग में तलवार की मयान क्या होगी? यार केड़ी, मुझे ना ये तलवार मयान ये ना सब सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे यार गांडू, रुक, मैं समझाता हूँ। नॉक नॉक, कौन है? डम। कौन डम? कौन डम, यही है वो मयान जो सबसे ज्यादा जरूरी है। केड़ी तुम बच्चे सातवीं में हो गया यार तुम। कॉन्डम, रियल मैन पुल आउट ब्रो। क्या कॉन्डम? किस भड़वे ने बताई है तुझे ये बात? कौन भड़वा? शंटी भैया। शंटी भैया कहते हैं कि रियल मैन पुल आउट और स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में असली मजा है, और उनका तो रिकॉर्ड है 0.45 सेकंड में पुल आउट करके जिप जैप जुप कर देते हैं। टोटल लेजेंड यार। अबे लेजेंड नहीं है, लंड है, जो मेरे फूल जैसे बच्चे को इतना कैक्टस भरा ज्ञान दे रहा है। कंडम मेरे बच्चे, सेक्स अगर लाइफ है ना तो कंडम ऑक्सीजन है, सेक्स अगर गोविंदा है तो कंडम करिश्मा कपूर है, सेक्स अगर यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज है तो कंडम क्रिंजी यूट्यूब शॉर्ट्स है, कोई भी एक दूसरे के बगैर अच्छा नहीं लगता, समझा? अबे यार, जो तो इस सीरीज के अंदर गाना ना गाऊ ना तुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अब चल, मैं फिर तेरे को गाना गा के समझाऊंगा, आजा चल, और जल्दी कर ले यार, अपलोड भी करनी है वीडियो, जल्दी कर। बेटे गंड पहलू जो तेरे चल पहल, छतरी के बिना ना जंग ले लो इसको अपने संग, एसटीडी से ये बचाए, ये है सबका एक उपाय। केड़ी छोड़ो ऐसी बातें, कॉन्डम ना है मुझको भाते, बहन 14 सिक्का खोटा दूंगा मुक्का इतना मोटा। हाँ सुन लो बहने, हाँ जो ना पहने, हाँ उसको कह दे झाटू 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 पक्का झाटू 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 मांगने में होता शायद झाटू झाटू झाटू।
जाटू जाटू जो भी करता पुल्लम साला जाटू वाओ केडी, सच्ची में मजा आ गया यार। अब ना मुझे सब समझ आ गया। अब ना इस साले शंटी का दिमाग ठीक करता हूँ मैं पहले। अरे कंड, लेट इट बी, लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, जस्ट से मैच इट एंड मूव ऑन। अच्छा सुन, तेरी एजुकेशन तो पूरी हो गई, अब एक छोटा सा एग्जाम और दे दे। मतलब मतलब उधर, अरे ला फोन दे अपना, ये रहा। हेलो, भलेला चरापा जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ रॉक कॉक केडी। अरे भाई यार, जो पिछले हफ्ते आया था, जिसने रशियन बोर्ड का मंगाई थी पूरी बोतल, और फिर बोतल को मैं इतना पसंद आ गया था, उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए थे। अरे पहन के दी ना, फोन कैसे कर दिया? और पैसे लेने से मना इसलिए किया उसने, क्योंकि तूने बोला तू मेरा लड़का है। 4 साल छोटा हूँ तेरे से, तू मेरा लड़का है। हाँ वैसे हो भी सकता है, क्योंकि तेरी माँ जो मैंने और आपकी रेशन बोर्ड कितनी भी जिद करे, मैं बिल्कुल फ्री में नहीं करूंगा। अबे इस बार पहले माल फिर धमाल, और पहले का भी क्लियर कर दल्ले। नहीं नहीं नहीं, इस बार पहले माल फिर धमाल, और यार पहले का भी क्लियर करो यार। अबे तू रिपीट क्या कर रहा है मेरी बातें? पैसे भेज, पैसे। ठीक है, ओके, मैं अभी पैसे भेजता हूँ। और सुना, इधर पूरी बोतल नहीं चाहिए। तेरा ट्रायल है ना, तो 30 ml कुछ भी चलेगा। आप भाई साहब, 30 ml शॉर्ट कर दीजिए। ओके जी, ओके। देखा गंड, ऐसे होती है बात। अरे मार्केट में ऐसी इज्जत बनाओ यार के लोग बोले। तेरी माँ जो मैंने बहन के तेरी कॉल रिकॉर्ड। शर्माती आपको? मतलब मेरे गुल्लक से पैसे चुराने तक ठीक था, ये क्या 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 मुंह दिखाऊं मैं समाज में, क्या बोलूं केडी कि हाँ मेरा बाप एक पुसी चोर है, है? हराम जादे। चल गंड ब्रो, पिक्चर सेट है, शुरुआत बाहुबली जैसी करी हो, और बीच में पुष्पा जैसी अग्रसी पारी खेली हो, और क्लाइमेक्स ऐसा करियो कि लड़कियां बोले सलाम रॉकी भाई। चुप करो यार, शर्माती है तुम्हें, पैसे ले आए हो मुझे, इसे कौन मारता, इतना दर्द हो रहा है अभी भी। अटैच व्हाट शी सेड। क्या हो गया है? एक ही हाथ तो तोड़ा है, इतना क्यों रो रहा है? वैसे भी आज भी हाथ से काम चलाएगा क्या है? ये यूज करना, ये तो तेरा है, छोटा मोटा गंदा घिनौना सड़ा हुआ बदबूदार। अरे हो गया, नहीं सुनना मुझे और एडजेक्टिव अपने छोटे मोटे का। वही तो कह रहा हूँ, रेडी हो जा, ठीक है? फीलिंग लाइक अ प्राउड फादर यार, आजू आगे। चल 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 चल, भाई साहब रूम होगा हमारा 112 आईडी। थैंक यू, आ जाओ आ जाओ कुंदन, चल। चल ना, क्या कर रहा, चल जल्दी चल, जल्दी चल यार, टाइम वेस्ट करता, चल चल चल, आ जा चल, आ जा कुंदन, जल्दी आ जा। केडी जरा ना ध्यान से चेक करना, ये साले होटल वाले ना आजकल कहीं भी कैमरा लगा देते हैं। ये क्या कर रहे हो? अबे परफॉर्म कैसा किया है वो तो देखना पड़ेगा ना, तभी तो गलती समझ आएगी, फिर उनको ठीक कर लेंगे। बस वो लेडी आ जाए ना, तो एक बार उनसे परमिशन ले लेंगे, और तू कहेगा ना तो मैं ही रिकॉर्ड कर दूंगा, है बढ़िया हो जाएगा, ऐसे फोकस दूंगा, ऐसे ऐसे। क्यों क्यों ज्यादा ना डीओपी का चौदह बनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ये है। अंदर रखो इसे, अंदर रखो।
व्हाट हैपेंड बडी, क्या हुआ है? पता नहीं केडी, आजकल बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग्स आती हैं और जितना मैं इन फीलिंग्स को दबा रहा हूँ वो उतनी बढ़ती जा रही है। अबे कुछ नहीं है, तू बस थोड़ा नर्वस हो रहा है। मैं तेरा मूड लाइट करता हूँ, चल तेरे को एक जोक सुनाता हूँ, ठीक है? चल बता उ और आ में क्या डिफरेंस है, बता बता बता। ओए 5 इंच का ओ भाई कितना फनी हूँ भाई मैं ओ भाई कॉमेडी हो गई जी, कॉमेडी, हैवी कॉमेडी हो गई भाई कुंदन। यस 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 केडी। अरे केडी क्या गांड मराने, अभी तेरा बाप है कदमड़ी गुप्ता, बता क्या सोच रहा है तू, हैं क्या है तेरे मन में, बता बता खुल के बता। कैसे समझाऊं पापा आपको, ये जो गांड जैसा मुंह लेके घूम रहा है इससे कर ले ट्राई। पापा मुझे लगता है कि मुझे एक टीम से खेलना पसंद नहीं, दोनों टीम से खेलना पसंद है। दोनों टीम से खेलना पसंद है, तो कोई नहीं, ऑड नंबर के प्लेयर लेके चलेंगे और तू बीच का बिच्छू बन जाइयो, हैं? हो गया नहीं, सॉर्ट हो गया सॉर्ट। अरे पापा आप समझ नहीं रहे मैं, हाँ मुझे फ्लावर और केले दोनों में इंटरेस्ट है। वो तो अभी तेरे को क्या गजरा लगा के केला खाना है क्या, है करना क्या है तेरे को, करना क्या है फुद्दू की औलाद। पापा मुझे लगता है कि मैं भाई हूँ। भाई है? अबे तो मैं भी तो तेरा भाई हूँ भाई दा। पापा बाय बाइसेक्सुअल, मुझे लगता है मैं बाइसेक्सुअल हूँ। लड़का लड़की लड़के लड़कियाँ सब मेरे दिल का तार बजाते हैं। ओ मेरी ओ मेरी 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 Talk about girls. हाँ, किड़ी यार मुझे ना कुछ बताना था वो। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कुंदन। Sorry पापा, मैं बीमार हूँ मुझे पता है, और ये सब ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा पापा। पता है क्यों मारा? हाँ, क्योंकि मैं बाय हूँ। नहीं उल्लू के पट्टे, इसलिए मारा क्योंकि तूने मुझसे ये बात छुपाई। मेरे को तुझसे यही उम्मीद नहीं थी कि तू मेरे से बात छुपाएगा। अबे हम तो पहल थे यार, फ्रेंड थे हम। तुम्हें मेरे भाई होने से प्रॉब्लम नहीं है? अबे तू भाई हो नाई हो कसाई हो, मुझे उससे क्या, तेरी लाइफ है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिनको पड़ता है ना, जिन्होंने तेरे दिमाग में बातें भर दी हैं कि ये बीमारी है, उनसे तो मेरे को मिला, उनकी तो ऐसी बात से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। राइट। और सुन, जो भी हो ना, चौड़े में हो, कोई गलती नहीं की तूने, तो चौड़े में घूम छाती चौड़ी करके, ऑलवेज बी प्राउड, सॉरी प्राउड एज फक। आई लव यू डैड। आई लव यू टू बेटा। अच्छा कुंदन यार एक बात बता, ये बाइसेक्सुअल वालों को भी सेम होता है ना जो मैंने तुझे सिखाया है? मतलब ऐसा ना हो ना मेरी एजुकेशन वेस्ट हो जाए। हाँ चल फिटिंग फिटिंग फिटिंग। रशियन वोट का आ गई, ये रशियन वोट का आ गई। हमने तो वोट का मंगाई थी, ये देसी डर्रे कहाँ से आ गए? वे तूने दिया इनका ऑर्डर? नहीं भाई साहब, आप ना गलत जगह आ गए हो। ओके बाय। ओए डट जा, छापा पड़ा है इधर। सॉरी भाई, कहाँ छुपा रखे सारी लड़कियाँ? लड़कियाँ भाई साहब कुछ ना गलत फहमी हुई होगी, मैं तो अपने बेटे के साथ आया हूँ। तू अपने बेटे के साथ आया? हाँ। तो ये कैसा जमाना आ गया बच्चे, क्या किया इसने आपके साथ? इन्होंने बस थोड़ी सी दारू पिलाई। दारू पिलाई? दारू पिला के इसके साथ आराम खोरे? अरे नहीं भाई, तो I can explain। ए, चुप चुप। बड़ा आपके हाथ पे क्या हुआ? डरने की बात नहीं, सर है हमें, बताओ। वो पापा ने हाथ तोड़ दिया। BDSM वाला है तू? BDSM वाला है तू? अरे सर कैमरा लगा रखा है रामजादे ने, बच्चे की वीडियो इंटरनेट पर लीक करने वाला था, हमने धर लिया। गुड जॉब सर। ओह माय गॉड।
इसको गाड़ी में डाल, इसको गाड़ी में डाल, उस औरत के साथ जो सात बाउंसर के साथ आई थी। भाई साहब फरीदाबाद पुलिस में मेरी बातचीत है, फरीदाबाद दिल्ली पुलिस में बातचीत है भाई साहब, भाई साहब हाथ जोड़ दो भाई साहब। बहन जी अब वही हो गया जो सात बाउंसरों के साथ आई थी। बेटे मैं वही हूँ बेटे, इन लोगों ने मेरे को बोला था और रियलिटी शो बना रहे हम साथ एक साथ, बेटे मेरे को लगा वो बेटे कोई फैमिली शो होगा, पर बेटे वो तो ये लोग बेटे मेरे को पैसे दे रहे थे, मैं चली गई बेटे, तू तो मेरे को पॉकेट मनी देते थे। आप घूमिए भाई जी मस्त एकदम। पापा 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 क्या हो रहा है ये पापा? दादी कहाँ जा रहे हो आप लोग? भोसड़ी के जिप्सी में स्कूल जा रहे हैं, चलेगा? Lune, yo me llamo Tarzán y la gente me dice ¿cómo es? El rey de la selva. Jane es perfecta gracias a sus raíces. ¿Sabes cómo es? El rey de la selva. Ando con mis leones cazando los ciervos. ¿Cómo es? El rey de la selva. Yo soy de fiesta de leones a cerdo. ¿Cómo es? El rey de la selva. Hello Tarzán, hello Tarzán. Soy el mero pero haters no faltan. Yo le echo los leones y ya está. Yo soy दारुवीर डैड और ये है हर्ष बेनीवाल का, और इसका जो जितने भी वीडियोस है काफ़ी फनी और एंटरटेनमेंट से भरा होता है, बहुत ही मज़ा आता है, मतलब कि आपको मैं बता नहीं सकती कि कितना मज़ा आता है, मेरा तो गले भी बैठ गया, मतलब कितनी हंसी आई ना मुझे, इनके सारे वीडियोस बहुत अच्छी लगी, बहुत ही फनी, बहुत ही बढ़िया, और इसमें जो डैड बने थे ओ माय गॉड उनका रोल कितना बढ़िया था कि पूछो मत। तो गाइज आज का रिएक्शन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।